हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ नीट के पास्ट के पैटर्न्स, जिनका यूज़ किया जाता है पास्ट में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ज़रूरत को दर्शाने के लिए। यानी पास्ट के उन साधारण वाक्यों में जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि मुझे पास्ट में उस व्यक्ति या वस्तु की ज़रूरत थी। तो अगर आप इन पैटर्न्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इन पैटर्न्स का यूज डेली कन्वर्सेशन में और डेली स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला पैटर्न ले रखा है मैंने आई नीडेड, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलना चाहे कि मुझे पास्ट में इस व्यक्ति या वस्तु की ज़रूरत थी, तब हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे आई नीडेड। और जिस भी व्यक्ति या वस्तु की ज़रूरत थी आपको पास्ट में, उसको आपको लास्ट में रखना है एक ऑब्जेक्ट की तरह। यानी कि अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मुझे अपने सपने साकार करने के लिए पास्ट में लगन की ज़रूरत थी, यानी कि परसीवरेंस टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। तो यानी कि लास्ट में आपको देखो क्या लगाते जाना है एवरी टाइम, परसीवरेंस टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मुझे अपने सपने साकार करने के लिए पास्ट में लगन की जरूरत थी, देखो तो आप कैसे करके बोलोगे, आई नीडेड परसीवरेंस टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। नहीं थी जरूरत, आई डिडंट नीड परसीवरेंस टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे अपने सपने साकार करने के लिए पास्ट में लगन की जरूरत थी, तो आप कैसे बोलोगे, देखो कैसे करके पूछ सकते हो, डिड आई नीड परसीवरेंस टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे अपने सपने साकार करने के लिए पास्ट में लगन की जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो डिडंट आई नीड परसीवरेंस टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। क्यों थी जरूरत, तो वाई डिड आई नीड परसीवरेंस। क्यों नहीं थी जरूरत, वाई डिडंट आई नीड परसीवरेंस। कैसे जरूरत थी तो आप कैसे पूछोगे, हाउ डिड आई नीड परसीवरेंस, और कैसे जरूरत नहीं थी, हाउ डिडंट आई नीड परसीवरेंस। कब थी जरूरत तो आप कैसे पूछोगे, देखो व्हेन डिड आई नीड परसीवरेंस टू मेक माय ड्रीम्स कम ट्रू, और कब जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे, व्हेन डिडंट आई नीड परसीवरेंस टू मेक माय ड्रीम्स कम ट्रू। और वेयर यहां पे आपका मैच नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूं कि मुझे अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर्स की जरूरत थी, यानी कि बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम, तो आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है एवरी टाइम, बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मुझे अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर्स की जरूरत थी, देखो तो कैसे बोलोगे, आई नीडेड द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। नहीं थी जरूरत तो कैसे बोलोगे, आई डिडंट नीड द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे अपने टीम में बेस्ट प्लेयर्स की जरूरत थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो डिड आई नीड द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर्स की जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डिडंट आई नीड द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। क्यों थी जरूरत, तो वाई डिड आई नीड द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। क्यों नहीं थी जरूरत तो कैसे पूछोगे, वाई डिडंट आई नीड द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। कैसे जरूरत थी, तो हाउ डिड आई नीड द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम, और कैसे जरूरत नहीं थी, How didn't I need the best players in my team? कब थी जरूरत, तो when did I need the best players in my team? और कब जरूरत नहीं थी, when didn't I need the best players in my team? कहां पर जरूरत थी, तो where did I need the best players? और कहां जरूरत नहीं थी, where didn't I need the best players? ऐसे ही अगर हम कुछ बोलना चाहें कि हमें पास्ट में इस चीज़ की ज़रूरत थी, तब हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे वी नीडेड। और जिस भी व्यक्ति या वस्तु की हमें ज़रूरत थी उसको लास्ट में लगाना है आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि हमें उस एरोप्लेन से कूदने के लिए एक पैराशूट की ज़रूरत थी, यानी कि अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट एरोप्लेन, तो आपको लास्ट में इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या लगाते जाना है, देखो अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट प्लेन। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि हमें उस प्लेन से कूदने के लिए एक पैराशूट की जरूरत थी, तो आप कैसे बोलोगे, देखो वी नीडेड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट प्लेन। नहीं थी जरूरत तो आप कैसे बोलोगे, देखो वी डिडंट नीड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट प्लेन। ओके, अगर आप ये जो है क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें उस प्लेन से कूदने के लिए एक पैराशूट की जरूरत थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो डिड वी नीड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट प्लेन। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें उस प्लेन से कूदने के लिए एक पैराशूट की जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो
डिडंट वी नीड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट एरोप्लेन? क्यों थी जरूरत? तो व्हाई डिड वी नीड अ पैराशूट? हमें एक पैराशूट की जरूरत क्यों नहीं थी? अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? व्हाई डिडंट वी नीड अ पैराशूट? कैसे जरूरत थी तो हाउ डिड वी नीड अ पैराशूट, और कैसे जरूरत नहीं थी हाउ डिडंट वी नीड अ पैराशूट? कब जरूरत थी अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? देखो, व्हेन डिड वी नीड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट एरोप्लेन, और कब जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? व्हेन डिडंट वी नीड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट एरोप्लेन? कहां पर जरूरत थी अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? देखो, वेयर डिड वी नीड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट एरोप्लेन, और कहां पर जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? वेयर डिडंट वी नीड अ पैराशूट टू जंप फ्रॉम दैट एरोप्लेन? ऐसे ही अगर हम ये बोलना चाहें कि हमें और ज़्यादा इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी इन आवर कंपनी या टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी, यानी के मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी, तो आपको लास्ट में इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या लगाते हैं ना? देखो, मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी, यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि हमें हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी तो आप कैसे बोलोगे? देखो, वी नीडेड मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी. नहीं थी जरूरत तो आप कैसे बोलोगे? देखो, वी डिडंट नीड मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी. क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और ज्यादा इन्वेस्टर्स की जरूरत थी तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, डिड वी नीड मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी. नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? देखो, डिडंट वी नीड मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी. क्यों थी जरूरत तो आप कैसे पूछोगे? देखो, व्हाई डिड वी नीड मोर इन्वेस्टर्स? क्यों जरूरत नहीं थी, व्हाई डिडंट वी नीड मोर इन्वेस्टर्स? कैसे जरूरत थी तो हाउ डिड वी नीड मोर इन्वेस्टर्स, और कैसे जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? हाउ डिडंट वी नीड मोर इन्वेस्टर्स? कब जरूरत थी तो आप कैसे पूछोगे? देखो, व्हेन डिड वी नीड मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी, और कब जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? व्हेन डिडंट वी नीड मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी? कहां पर जरूरत थी तो वेयर डिड वी नीड मोर इन्वेस्टर्स, और कहां जरूरत नहीं थी वेयर डिडंट वी नीड मोर इन्वेस्टर्स? और ऐसे ही किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अगर आप ये बोलना चाहो कि आपको पास्ट में इस चीज की जरूरत थी तो हमारा यहाँ पे पैटर्न बनता है यू नीडेड, और जिस भी चीज की जरूरत थी उसको लास्ट में रखना है आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह. जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, यानी कि देखो इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है? प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी तो आप कैसे बोलोगे? यू नीडेड प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. नहीं थी जरूरत तो आप कैसे बोलोगे? यू डिडंट नीड प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी तो आप कैसे पूछोगे? देखो, डिड यू नीड प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? देखो, डिडंट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? अगर आप ये पूछोगे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत क्यों थी तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, व्हाई डिड यू नीड प्रॉपर गाइडेंस? ये पूछोगे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत क्यों नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? देखो, व्हाई डिडंट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस? कैसे जरूरत थी तो हाउ डिड यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, और कैसे जरूरत नहीं थी हाउ डिडंट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस? अगर आप ये पूछोगे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत कब कब थी तो आप कैसे पूछोगे? देखो, व्हेन डिड यू नीड प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, और कब जरूरत नहीं थी व्हेन डिडंट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? और वेयर हमारा यहाँ पे मैच नहीं करेगा. ऐसे ही अगर आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अगर आप ये बोलना चाहो कि आपको एक सैक्रेड हर्ट की जरूरत थी टू विन पीपल्स ट्रस्ट, अ सैक्रेड हर्ट मतलब एक पवित्र दिल की जरूरत थी टू विन पीपल्स ट्रस्ट, यानी कि लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, तो आपको देखो इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में क्या लगाते जाना है? अ सैक्रेड हर्ट टू विन पीपल्स ट्रस्ट. तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक सैक्रेड हर्ट की जरूरत थी, कैसे बोलोगे? यू नीडेड अ सैक्रेड हर्ट टू विन पीपल्स ट्रस्ट.
नहीं थी जरूरत तो कैसे बोलोगे, यू डिडंट नीड अ सैक्रेड हर्ट टू विन पीपल्स ट्रस्ट। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक सैक्रेड हर्ट की जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो, डिड यू नीड अ सैक्रेड हर्ट टू विन पीपल्स ट्रस्ट। ओके, नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक सैक्रेड हर्ट की जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो, डिडंट यू नीड अ सैक्रेड हर्ट टू विन पीपल्स ट्रस्ट। क्यों थी जरूरत तो कैसे पूछोगे, व्हाई डिड यू नीड अ सैक्रेड हर्ट। क्यों जरूरत नहीं थी, व्हाई डिडंट यू नीड अ सैक्रेड हर्ट। ऐसे अगर आप ये पूछोगे कि आपको एक सैक्रेड हर्ट की जरूरत क्यों थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो, हाउ डिड यू नीड अ सैक्रेड हर्ट, कि आपको एक सैक्रेड हर्ट की जरूरत कैसे थी, कैसे नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ डिडंट यू नीड अ सैक्रेड हर्ट। अच्छा, अगर आप ये पूछोगे कि आपको एक सैक्रेड हर्ट की जरूरत कब थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो, वेन डिड यू नीड अ सैक्रेड हर्ट टू विन पीपल्स ट्रस्ट। ओके, कब जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, वेन डिडंट यू नीड अ सैक्रेड हर्ट टू विन पीपल्स ट्रस्ट। और ऐसे ही अगर हम ये बोलना चाहें कि उन्हें पास्ट में इस चीज की जरूरत थी, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे दे नीडेड, और जिस भी चीज की जरूरत थी उसको लास्ट में रखना है आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उन्हें एक टेलीस्कोप की जरूरत थी, किस लिए मालूम है, टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून, यानी कि मून का क्लोजर व्यू पाने के लिए, तो आपको लास्ट में देखो इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या लगाते जाना है, अ टेलीस्कोप टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उन्हें चांद का क्लोजर व्यू पाने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत थी, तो आप कैसे बोलोगे, देखो, दे नीडेड अ टेलीस्कोप टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून। नहीं थी जरूरत, तो आप कैसे बोलोगे, दे डिडंट नीड अ टेलीस्कोप टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून। अगर आप इसका क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें एक टेलीस्कोप की जरूरत थी चांद का क्लोजर व्यू पाने के लिए, तो आप कैसे बोलोगे, डिड दे नीड अ टेलीस्कोप टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें चांद का क्लोजर व्यू पाने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, डिडंट दे नीड अ टेलीस्कोप टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून। क्यों जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, व्हाई डिड दे नीड अ टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप की जरूरत क्यों नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, व्हाई डिडंट दे नीड अ टेलीस्कोप। कैसे जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ डिड दे नीड अ टेलीस्कोप, और कैसे जरूरत नहीं थी, हाउ डिडंट दे नीड अ टेलीस्कोप। कब जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो, व्हेन डिड दे नीड अ टेलीस्कोप टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून, और कब जरूरत नहीं थी, व्हेन डिडंट दे नीड अ टेलीस्कोप टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ द मून। कहां पर जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, वेयर डिड दे नीड अ टेलीस्कोप, और एक टेलीस्कोप की जरूरत कहां पर नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, वेयर डिडंट दे नीड अ टेलीस्कोप। ऐसे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उन्हें एक दूरबीन की जरूरत थी टू सी आवर शिप, तो देखो इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है, बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उन्हें हमारी शिप देखने के लिए एक बाइनोक्यूलर्स की जरूरत थी, यानी कि एक दूरबीन की, तो आप कैसे बोलोगे, देखो, दे नीडेड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप। नहीं थी जरूरत, तो कैसे बोलोगे, दे डिडंट नीड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप। क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें हमारी शिप देखने के लिए एक दूरबीन की जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो, डिड दे नीड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें हमारी शिप को देखने के लिए एक दूरबीन की जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो, डिडंट दे नीड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप। अच्छा, क्यों थी जरूरत एक बाइनोक्यूलर्स की, तो आप कैसे पूछोगे, व्हाई डिड दे नीड अ बाइनोक्यूलर्स। क्यों जरूरत नहीं थी, व्हाई डिडंट दे नीड बाइनोक्यूलर्स। कैसे जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ डिड दे नीड बाइनोक्यूलर्स, और कैसे जरूरत नहीं थी, हाउ डिडंट दे नीड बाइनोक्यूलर्स। कब जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो, व्हेन डिड दे नीड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप, और कब जरूरत नहीं थी, व्हेन डिडंट दे नीड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप। कहां जरूरत थी, तो वेयर डिड दे नीड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप, और कहां जरूरत नहीं थी, वेयर डिडंट दे नीड बाइनोक्यूलर्स टू सी आवर शिप। ऐसे ही अगर किसी भी मेल व्यक्ति को पास्ट में किसी भी चीज की जरूरत थी, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे ही नीडेड, और जिस भी चीज की जरूरत थी उसको लास्ट में रखना है आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उसे एक और चांस की जरूरत थी टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम, ओके, तो आपको देखो लास्ट में इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या लगाते आना है, वन मोर चांस टू क्लियर यूपीएससी। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक और चांस की जरूरत थी, तो आप कैसे बोलोगे, देखो, ही नीडेड वन मोर चांस टू क्लियर यूपीएससी। नहीं थी जरूरत, ही डिडंट नीड वन मोर चांस टू क्लियर यूपीएससी। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक और चांस की जरूरत थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो, डिड ही नीड वन मोर चांस टू क्लियर यूपीएससी।
नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे, क्या उसे यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक और चांस की जरूरत नहीं थी? कैसे पूछोगे? डिडंट ही नीड वन मोर चांस टू क्लियर यूपीएससी? क्यों थी जरूरत एक और चांस की? तो कैसे पूछोगे? व्हाई डिड ही नीड वन मोर चांस? क्यों जरूरत नहीं थी? व्हाई डिडंट ही नीड वन मोर चांस? कैसे जरूरत थी तो कैसे पूछोगे? हाउ डिड ही नीड वन मोर चांस? और कैसे जरूरत नहीं थी तो आप कैसे पूछोगे? हाउ डिडंट ही नीड वन मोर चांस? कब जरूरत थी? तो व्हेन डिड ही नीड वन मोर चांस टू क्लियर यूपीएससी? और कब जरूरत नहीं थी? व्हेन डिडंट ही नीड वन मोर चांस टू क्लियर यूपीएससी? ओके, और यहां पे जो है वेयर आपका मैच नहीं करेगा कि उसे एक चांस की जरूरत कहां पर थी। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उसे और ज्यादा सबूत की जरूरत थी टू प्रूव देम गिल्टी, यानी कि उन्हें गिल्टी साबित करने के लिए, तो देखो इन प्रैक्टिस इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है? मोर एविडेंसेस, मोर एविडेंसेस टू प्रूव देम गिल्टी। तो यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे उन्हें गिल्टी प्रूव करने के लिए और ज्यादा सबूतों की जरूरत थी, तो आप कैसे बोल सकते हो? देखो, ही नीडेड मोर एविडेंसेस टू प्रूव देम गिल्टी। नहीं थी जरूरत तो आप कैसे बोलोगे? ही डिडंट नीड मोर एविडेंसेस टू प्रूव देम गिल्टी। क्वेश्चन पूछोगे, क्या उसे उन्हें गलत साबित करने के लिए, उन्हें गिल्टी साबित करने के लिए और ज्यादा सबूतों की जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, डिड ही नीड मोर एविडेंसेस टू प्रूव देम गिल्टी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे, क्या उन्हें या क्या उसे उन्हें गलत साबित करने के लिए और ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, डिडंट ही नीड मोर एविडेंसेस टू प्रूव देम गिल्टी। क्यों थी जरूरत तो कैसे पूछोगे? व्हाई डिड ही नीड मोर एविडेंसेस? और अगर आप ये पूछोगे कि उसे और ज्यादा सबूतों की जरूरत क्यों नहीं थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, व्हाई डिडंट ही नीड मोर एविडेंसेस? ये पूछोगे कि उसे और ज्यादा सबूतों की जरूरत कैसे थी, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, हाउ डिड ही नीड मोर एविडेंसेस? और कैसे जरूरत नहीं थी? हाउ डिडंट ही नीड मोर एविडेंसेस? कब जरूरत थी? तो व्हेन डिड ही नीड मोर एविडेंसेस टू प्रूव देम गिल्टी? और कब जरूरत नहीं थी? व्हेन डिडंट ही नीड मोर एविडेंसेस टू प्रूव देम गिल्टी? कहां पर जरूरत थी? तो व्हेयर डिड ही नीड मोर एविडेंसेस? और कहां पर जरूरत नहीं थी? व्हेयर डिडंट ही नीड मोर एविडेंसेस? ऐसे ही अगर किसी भी फीमेल को पास्ट में किसी भी चीज की जरूरत थी, तो हमारा पैटर्न बनता है यहां पे शी नीडेड, और जिस भी चीज की जरूरत थी उसको लास्ट में रखना है आपको ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उसे अपने घर में और ज्यादा प्लांट्स की जरूरत थी, और ज्यादा प्लांट्स मतलब मोर प्लांट्स इन हर हाउस, तो इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है? मोर प्लांट्स इन हर हाउस। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उसे अपने घर में और ज्यादा प्लांट्स की जरूरत थी, तो कैसे बोलोगे? शी नीडेड मोर प्लांट्स इन हर हाउस। नहीं थी जरूरत? शी डिडंट नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस। क्वेश्चन पूछोगे, क्या उसे अपने घर में और ज्यादा प्लांट्स की जरूरत थी? ऐसे पूछोगे, देखो, डिड शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे, क्या उसे अपने घर में और ज्यादा प्लांट्स की जरूरत नहीं थी? तो आप कैसे पूछोगे? देखो, डिडंट शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? क्यों जरूरत थी? तो व्हाई डिड शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? क्यों जरूरत नहीं थी? व्हाई डिडंट शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? कैसे जरूरत थी? तो हाउ डिड शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? और कैसे जरूरत नहीं थी? हाउ डिडंट शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? ऐसे अगर आप ये पूछोगे कि उसे और ज्यादा प्लांट्स की जरूरत कब थी, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, व्हेन डिड शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? और कब जरूरत नहीं थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो? व्हेन डिडंट शी नीड मोर प्लांट्स इन हर हाउस? कहां पर जरूरत थी, तो आप कैसे पूछोगे? वेयर डिड शी नीड मोर प्लांट्स? और कहां पर जरूरत नहीं थी? वेयर डिडंट शी नीड मोर प्लांट्स? किस चीज की जरूरत थी उसे अपने घर में, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, व्हाट डिड शी नीड इन हर हाउस? और किस चीज की जरूरत नहीं थी? व्हाट डिडंट शी नीड इन हर हाउस? ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि उसे एक बास्केट की जरूरत थी टू कीप फ्रूट्स, तो देखो इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है? अ बास्केट टू कीप फ्रूट्स। तो यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे फलों को रखने के लिए एक बास्केट की जरूरत थी, तो आप कैसे बोलोगे? देखो, शी नीडेड अ बास्केट टू कीप फ्रूट्स। नहीं थी जरूरत? शी डिडंट नीड अ बास्केट टू कीप फ्रूट्स। क्वेश्चन पूछोगे, क्या उसे फ्रूट्स रखने के लिए एक बास्केट की जरूरत थी? कैसे पूछोगे? डिड शी नीड अ बास्केट टू कीप फ्रूट्स? नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे, क्या उसे फ्रूट्स रखने के लिए बास्केट की जरूरत नहीं थी? डिडंट शी नीड अ बास्केट टू कीप फ्रूट्स? क्यों जरूरत थी? तो व्हाई डिड शी नीड अ बास्केट? क्यों जरूरत नहीं थी? व्हाई डिडंट शी नीड अ बास्केट? ये पूछोगे कि उसे एक बास्केट की जरूरत कैसे थी, तो कैसे पूछोगे? देखो, हाउ डिड शी नीड अ बास्केट? और कैसे नहीं थी? हाउ डिडंट शी नीड अ बास्केट? अगर आप ये पूछना चाहोगे कि उसे एक बास्केट की जरूरत कब थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, व्हेन डिड शी नीड अ बास्केट टू कीप फ्रूट्स? और कब जरूरत नहीं थी? व्हेन डिडंट शी नीड अ बास्केट टू कीप फ्रूट्स?
कहाँ पर जरूरत थी तो वेयर डिड शी नीड अ बास्केट, और कहाँ पर जरूरत नहीं थी वेयर डिडंट शी नीड अ बास्केट। किस चीज की जरूरत थी उसे फ्रूट्स रखने के लिए तो व्हाट डिड शी नीड टू कीप फ्रूट्स, और किस चीज की जरूरत नहीं थी व्हाट डिडंट शी नीड टू कीप फ्रूट्स। तो ऐसे ही इन पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं हम लोग पास्ट के उन वाक्यों में जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें पास्ट में उन चीज़ों की जरूरत थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले घर बैठ के इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करो। किस तरीके से, जैसे ही नीडेड, ही डिडंट नीड, डिड ही नीड, डिडंट ही नीड, व्हाई डिड ही नीड, व्हाई डिडंट ही नीड, हाउ डिड ही नीड, हाउ डिडंट ही नीड, व्हेन डिड ही नीड, व्हेन डिडंट ही नीड, व्हेयर डिड ही नीड और व्हेयर डिडंट ही नीड। और इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के बाद जब ये पैटर्न्स फ्लुएंसी में आने लग जाए तो इनके और एग्जांपल्स लो और उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करके देखो ताकि आपको बोलने में फ्लुएंसी आए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका कोई भी डाउट है या कोई भी अगर आपका सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी तरीके से मैं और तरह तरह की वीडियोस में और तरह तरह के अच्छे अच्छे पैटर्न्स आपको सिखाता रहूँगा जस्ट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लगे रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।